हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्डनिंग ब्लेस। आज मैं आपको अपने गार्डन का ओवरव्यू दूंगी और साथ में छोटी छोटी हार्वेस्टिंग करके भी आपको दिखाऊंगी, तो बने रहिएगा। लास्ट तक वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी इस क्यारी से। ये क्यारी मेरी 10x2 feet की है और यहाँ पे मैंने दो बैगन के पौधे लगाए हैं। और मेरे बैगन के पौधे की आप ग्रोथ देखिए, कितनी अच्छी ग्रोथ है इन प्लांट्स की। और ये सिर्फ दो है, ये देखिए कितने सुंदर इसमें बैगन आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए कितने सुंदर बैगन आ रहे हैं यहाँ पर, और एक साथ गुच्छों में आ रहे हैं बैगन, ये देखिए। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, ये सब आपको मैं सिखाऊंगी अगर आप मुझे फॉलो करेंगे। तो ये मैं यहाँ पर ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करती हूँ, जैसे कि मेरा जो सॉइल कॉम्पोजिशन होता है वो सबसे थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा हटकर होता है। इस क्यारी में अगर आगे देखेंगे तो मैंने देखिए कुछ मूली के बीज लगा दिए हैं, एक 6 feet वाली लौकी लगा दी है, और कल ही मैंने यहाँ पर जस्ट अ ट्रायल मैंने मटर के बीज लगाए हैं। तो अगर मटर के बीज निकल जाते हैं तो मेरी तो बल्ले बल्ले है। फिर टमाटर के पौधे लगे हुए हैं और मैंने बीच बीच में यहाँ पर गेंदे के पौधे लगाए हैं। देखिए वो गेंदा लगाया है, एक ये गेंदा लगाया है, एक मैंने ये गेंदा लगाया है। गेंदे लगाने से हमारे को सॉइल के अंदर जो रूट डिजीजेज होती हैं प्लांट्स को वो नहीं होती, और निमिटोड्स नहीं आते हमारे प्लांट्स में। जैसे जड़ों के अंदर कई बार क्या होता है, जड़ें के अंदर मोटी मोटी गांठें पड़ जाती हैं, वो रीज़न होता है निमिटोड्स की वजह से। तो गेंदा लगाने से मिट्टी के अंदर जो निमिटोड्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और इस क्यारी को मैंने कैसे तैयार किया है, इसकी सॉइल मैंने कैसे रेडी की है, ये मैं आप सबको बताती हूँ। मैंने इस क्यारी को करीबन यहाँ तक इस क्यारी को मैंने सूखे पत्तों से भर दिया। उसके ऊपर मैंने एक लेयर लगा दी, मोटी लेयर लगा दी मिट्टी की। और ये लास्ट सीजन की बात है, और जब अब इस सीजन में मैंने इसकी खुदाई की तो वो जो पत्ते थे मेरे वो खाद के रूप में कन्वर्ट हो गए। तो मेरी इस मिट्टी के अंदर गार्डन सॉइल है, सूखे पत्ते हैं और गोबर की खाद है। मैंने छोटे छोटे गोभी के पौधे लगा दिए हैं, मैंने विंटर्स की तैयारी स्टार्ट कर दी है। विंटर्स के लिए मैंने गोभी लगा दी है, पत्ता गोभी के बीज डाल दिए हैं, मटर डाल दिया है, गाजर के बीज डाल दिए, वाली जो कैबेज होती है रेड कैबेज मैंने डाल दी, मैंने मटर के बीज डाल दिए। तो मेरी तो विंटर्स की तैयारी स्टार्ट हो गई है। आप सबने स्टार्ट कर दी तो बताइए। ये मेरी भिंडी की क्यारी है, इस भिंडी को मैं 15 सितंबर के बाद इसको मैं अपरूट कर दूंगी, यानी कि हटा दूंगी मैं, क्योंकि अब मुझे इसके अंदर विंटर्स की सब्जियों की शुरुआत करनी है। लेकिन देखिए कितनी प्यारी इसमें भिंडी आ रही है अभी भी, ये देखिए यहाँ पर भिंडी बन भी रही है। लेकिन ज़्यादा प्लांट का लालच भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमें सीज़न में आगे बढ़ना है। तो मैं इन पौधों को अपरूट करूँगी और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे कैबेज के और गोभी के सीड्स लगाऊँगी। इनकी सैपलिंग मैं रेडी कर रही हूँ, मैं जब लगाऊँगी तो उसका वीडियो आप सबके साथ शेयर करूँगी। ये मेरे कुछ फ्रूट प्लांट्स हैं, जैसे कि ये अमरूद का है, ये थाई काला पत्ती है, ये रेड बाल सुंदरी बेर है, ये आड़ू का पौधा है यानी कि पीच का पौधा है, ये भी एप्पल बेर है, ग्रीन एप्पल बेर है, ये मैंगो है, ये भी एक मैंगो है, ये थाई कॉटिमोन मैंगो है। तो यहाँ कुछ मेरे फ्रूट प्लांट्स हैं। ये मेरी क्यारी, मैं इसको आज ही रेडी करूँगी। मैं यहाँ पर आलू के बीज सीड्स मैंने घर में तैयार किए हैं, तो आज मैं आलू जो होता है, जैसे आलू के अंदर एक आँख आ जाती है, एक नोड आ जाती है, तो उसको उससे आलू हम लगाते हैं, ग्रो करते हैं। जब मैं ग्रो करूँगी, लगाऊंगी, मैं आपके साथ सबके साथ शेयर करूँगी। और इस जगह पर मैं आलू लगाने वाली हूँ, उसका वीडियो मैं बहुत ही जल्द अपलोड करूँगी। ये आपके साथ मैं करूँगी थोड़ी सी हार्वेस्टिंग। ये देखिए मेरी तोरी, ये देखिए,
आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।